सागर में गागर दूसरा भाग, उसके दूसरे भाग का स्पष्टीकरण देखते हैं, सारांश देखते हैं। तो छात्रों, मनुष्य और फुवारे के नल की एक ही दशा है। फुवारा जितना नीचे होगा उसका पानी उतना ही ऊपर जाएगा। उसी प्रकार व्यक्ति जितना निर्मल होगा, जितना निर्मल होगा उसका वो उतना ही उन्नति और श्रेष्ठ बनता जाता है। दूसरे शब्द में कवि कहना चाहते हैं कि नदी, कुआं, सरावर, बावड़ी, चाहे अथवा जल से भरी हो अथवा उथली हो, अर्थात उसमें बहुत कम पानी होना हो, प्यास व्यक्ति की जिससे बुझ जाए वही उस व्यक्ति के लिए सागर होता है। छात्रों, अगले छंद में कवि ने बड़ी प्यारी बात कही है कि जब कोई बुराई या बुरा व्यक्ति बुराई को छोड़ता है तब समाज और लोग उससे तब भी डरने लगते हैं। यहां पर मुझे एक शेर याद आता है, तो छात्रों सुनिए कि दलदलों के शहर से निकल कर आया हूं शायद, दलदलों के शहर से निकल कर आया हूं शायद, जमाने बीत गए नक्श पा मिटाने। अगर इंसान बुराई करे और वो छोड़ भी दें तब भी लोग उसको बुरा समझते हैं। इसके लिए छात्रों भविष्यात एक बात याद रखिए कि बुराई से हमेशा दूर रहिए। अगले छंद में कवि कहते हैं कि ये सृष्टि प्रभु की रचना है, ईश्वर की रचना है, इसमें ना कोई सुंदर है और ना कोई असुंदर, ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि ही सुंदरता है। मनुष्य के छात्रों, मनुष्य के मन की चाह जितनी होती है उसमें उसको उतनी ही सुंदरता दिखाई देती है। यानी एक बात आप समझ गए होंगे कि बिहारी जी ने हर इंसान के फितरत को उजागर किया है कि एक व्यक्ति लोभी नहीं है, बल्कि इससे उन्हें एक संदेश दिया है कि पूरा समाज अपने अपने चाह के लोभ में वो लोभी होता है। बस, जब तक के लिए आप घर जाइए और मुझे आज्ञा।